और भारतीय जनता पार्टी ने रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। स्थानीय पॉलिटेक्निक ऑडिटोरियम में आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथ लेवल के पदाधिकारियों से लेकर बूथ पालकों तक को शामिल किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। स्थानीय पॉलिटेक्निक ऑडिटोरियम में आयोजित इस एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथ लेवल पदाधिकारियों से लेकर बूथ पालकों तक को शामिल किया गया। भाजपा के तमाम पदाधिकारी और बूथ लेवल कार्यकर्ता पूरे उत्साह और उमंग के साथ शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री अनुराग सिंह देव प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को बताया कि कैसे उनकी पार्टी में बूथ लेवल कार्यकर्ता ही सबसे बड़ा होता है। समय चुनाव का है और अटल जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी गतिविधियां अटल जी के नाम पर एक साथ शुरू कर दी है, लिहाजा विरोधी उंगलियां भी उठाने लगे हैं, पर अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए भाजपा के पास माकूल जवाब हमेशा तैयार रहता है। प्रशिक्षण शिविर में मौजूद लोगों ने पूरी तन्मयता के साथ अपने अतिथियों की बातों को सुना। पूर्व प्रधानमंत्री और अपनी पार्टी के बड़े नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति केवल भाजपाइयों की ही नहीं देश भर की श्रद्धा है। ऐसे में चुनाव के वक्त अपने तमाम कार्यकर्ताओं को काम पर लगाने, रिचार्ज करने का एक बड़ा कदम बूथ लेवल अटल दूत प्रशिक्षण शिविर के रूप में देखा जा सकता है। कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने और माँ बम्लेश्वरी के प्रांगण से अटल दूत अभियान का छत्तीसगढ़ में शुभारंभ किया है। पाँच तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख और 10 तारीख, ये 5 दिनों पूरे 90 विधानसभा में इस प्रकार के प्रशिक्षण आए हैं, जिसमें हमारे बूथ के अध्यक्ष, बूथ के सचिव, डीएलए और पालक जो बनाया हुआ है, वो ऐसे सारे 4 कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ से यहाँ पर विधानसभा स्तर पर उनका एक प्रशिक्षण होगा, तो उनसे बूथ मैनेजमेंट के संबंध में चर्चा होगी डिटेल में। और एक अटल जी को लेकर जो छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा इमोशन है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में के निर्माता के रूप में अटल जी को हम सब लोग जानते हैं और छत्तीसगढ़ के लोग अटल जी के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं, तो उनको लेकर एक जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने राजधानी जो नया कैपिटल है, नया रायपुर था, उसका नाम अटल नगर उन्होंने रखा है, तो वहाँ पर एक अटल स्मृति स्मारक का निर्माण बीजेपी की सरकार ने राज किया और उसमें ये इच्छा है कि यहाँ हर घर से उसका इन्वॉल्वमेंट हो, हर घर से हम एक प्रतीकात्मक वहाँ से मिट्टी इकट्ठी करेंगे और वहाँ पर देवस्थल से हम मिट्टी इकट्ठा करके लेके जाएंगे। एक प्रकार के और उनके सुझाव और अटल जी के विजन के बारे में चर्चा, ऐसा पूरा अभियान हमारे वर्कर्स वहाँ पर बूथ स्तर पर करेंगे और समस्त घरों में जाएंगे, चाहे वो किसी भी दल का घर होगा वहाँ भी हम जाएंगे, अटल जी कांग्रेस के घर में जाएंगे और सारे लोगों के घर में जाएंगे। और अटल जी चूंकि छत्तीसगढ़ के निर्माता है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, एक तरीके से छत्तीसगढ़वासी जो भी छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं वो अटल जी को के प्रति एक आस्था रखते हैं, तो अटल दूत के लिए वहाँ तक जाएंगे और अटल जी का विजन और छत्तीसगढ़ को 2025 में 25 वर्ष तो 25 साल में जो हम सिल्वर जुबली छत्तीसगढ़ में बनाएंगे, तो उस समय हमारा छत्तीसगढ़ कैसा होना चाहिए, इसको लेकर एक विजन डॉक्यूमेंट और पूरा प्लान कि आने वाले 6 साल में हम लोग और कैसे प्रगति कर सकते हैं और किन किन क्षेत्रों में हम बहुत अच्छा काम नहीं कर पाए हैं, उन सब क्षेत्रों में हम आकाश कैसे छुएंगे, हम इस प्रदेश को देश का सिरमौर राज्य कैसे बनाएंगे, कि आपको किट में और उसको लेकर अटल कलश मिलेगा। जी माहौल शुरू हो चुका है, हर गांव हर कांग्रेस कह रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी को नाम पेश किया जा रहा है, ये उस तरह का आपको पूरी लिस्ट मिलेगी, ये एक भावनात्मक कार्य खेला जा रहा है। दिवंगत नेताओं के नाम पर, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये छत्तीसगढ़ जो आज भारत के नक्शे में दिख रहा है, या हम गर्व से ये कह पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ या सबसे बढ़िया, तो उसके पीछे यदि कोई महापुरुष है तो उसका नाम अटल है। निश्चित रूप से एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए और जो देश में सर्वमान्य थे,
और ऐसे नेता को लेकर उनको श्रद्धांजलि स्वरूप यदि छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है जहाँ पर छत्तीसगढ़ के नागरिक को श्रद्धांजलि देते हैं तो उसमें इसको इस लिहाज से जी आपने बात कि बूथ का जो कार्यकर्ता सबसे अहम है पार्टी के उसकी याद चुनाव के समय ही आती है। देखिए बूथ का कार्यकर्ता की याद सदैव आती रहती है और बूथ के दम पर ही बीजेपी आज देश में और प्रदेश में सरकार में है। यदि बूथ का कार्यकर्ता हमारा सबल नहीं रहता, यदि वो डिमोटिव नहीं रहता तो आज हम देश में तीसरे बार केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन अब एक और जवाबदारी उसके ऊपर है कि वो अटल जी के सपनों को साकार भी उसको करना है, तो ये एक एक विशेष प्रकार जिसको लेकर। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24। और एक